करीबन हम सोचने से पाओगे करीबन 200 300 400 बंदे होंगे। हाँ, एक छत पर, पूरा बड़ा सा छत पर, वहां पर एक मतलब स्टाफ भी और कुछ कैंडिडेट्स वगैरह भी, वो लोग जा रहे हैं इंट्रोडक्ट, वो लोग जाकर इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे मेरे को किसने लाया, एक्स वाई जेड। तो ये सब करते करते मतलब करीबन 6 साढ़े 6 से शुरू होगा, क्लास खत्म, क्लास भी शुरू होगा ना उसके साथ, तो 9 साढ़े 9 बज जाएगा। तो ऐसे ही 3 घंटे पूरा मतलब छोड़ दो भाई, आप सोचने का अगर बैठते बैठते पूरा वो क्या बोले लेग्स पेन हो जाता है, ठीक है, पर वो लोगों का तो आदत है ना बच्चे लोग। और एक बात, किसी को किसी के साथ बातचीत करने नहीं देंगे, ठीक है, किसी के साथ नंबर एक्सचेंज नहीं, 4 से 6 बजे के अंदर फ्री हो, मतलब उससे टाइम आपको घूमने आप लोगों को कंपलसरी जाना है। क्यों पता है, आप अगर बैठोगे ना आप इसके साथ बात को मतलब बात करने तो नहीं देंगे, ठीक है, पर क्या है कि आप लोग बाहर जाओगे, उनका उनका क्या है पता है, दो 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 प्लेस है, एक है स्टेडियम बगलगीर का और एक है हमारा एक पहाड़, वहां पर ले जाएंगे, वहां पर बच्चे लोग घुमाएंगे। और वहां पर जब आप मतलब मैं बोलता हूँ, जब मैं गया तो वहां पर सिर्फ मैं हमारा ग्रुप नहीं था भाई, बहुत सारे ग्रुप के लोग थे, अपने अपने एक एक स्टाफ को, एक एक बंदे के साथ घूमने छोड़े। तो ऐसे ऐसे जब मैं जैसे ऐसे न्यू गोवर हूँ, तो मैं सोचता था हाँ भाई बंदे अच्छे हैं, वहाँ कितना ख्याल रखते, कितना केयर रहते, वैन का दौड़ा मैं सारा चुकिया जानता नहीं था, वैन पे छोड़ इतने चुकिया लोग हैं कुछ भी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ऐसे शाम को तो 4 5 हो जाता था, घूमने के लिए जाने देते हैं, मतलब अकेले भी, ठीक है, और बोलते हैं किसी के साथ बातचीत नहीं करना, वाला के लोग अच्छे नहीं है, वो नहीं है, तो आपको भी क्या करना था, काम तो नौकरी करने आए हैं, तो इसी वजह से, तो एक विश्वास के साथ, तो मैं सब कुछ मतलब नॉर्मली वहाँ पर रहा, सबके साथ अच्छे से रेस्पेक्ट, सब कुछ चलता था, ठीक है। तो 8 हज़ार का डिपॉजिट किया था, एक टाइम आया, आप लोग ये फोटो देख सकते हैं, ये जो बंदा बैठा है तो ये है श्रीकांत, ये है डायरेक्टर लेवल, इनका जो लेवल्स है ना भाई आप लोग सोच नहीं सकते, डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, ईडी, बीडी, किडी, चिडी, बहुत सारे लेवल्स है, ठीक है। आप लोग सोचोगे काम क्या है, काम है चूतिया बनाना और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, यही है काम, ठीक है। तो मैं आता हूँ, तो बात ऐसा है कि मैं तो हर टाइम सुबह 4 बजे उठकर मेरा काम खत्म करके क्लास के लिए रेडी हो जाता था, और मैं अपने क्या बोले रेडियो पर अपना जो होगा था बंदा, जो भी भाई चलो, मैं बेसिकली आशुतोष ही मेरे साथ रहता था, मैं बोला ना उसके साथ बहुत घुल मिल गया था। आप लोग सोचते हो झूठ बोल रहा, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को प्रूफ, सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसा भाषणवादी सिर्फ मारने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं आशुतोष और बाकी हम लोग कितने घुल मिल गए थे। पर आज देख सकते हैं आप आशुतोष का क्या, आशुतोष ने क्या मेरे को बोला उसके दिन बाद ही जब मैं कॉल किया, बापी ने उठाया और बापी ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया।